नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं खुशबू साहू। पिछले लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत वन, वन प्रशासन, वन्य जीव एवं अभयारण्य संबंधित प्रश्नों को हल किया था और देखा था कि यहाँ से किस प्रकार के सवाल सीजीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत जो बाकी टॉपिक्स हैं, खनिज, उद्योग, ऊर्जा और बाकी के जो आगे के टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। लेकिन पहले हम छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे और उसके बाद फिर बाकी टॉपिक्स के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप सभी के पास सिलेबस होगा ना, तो उस सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिए, पढ़िए। यदि आज किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है तो उसके एक दिन पहले आप उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, उससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर साथ साथ हमारे साथ वीडियो देखकर इन सभी प्रश्नों को पैरेलली हल करते जाइए। अगर ये प्रश्न आपसे यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर हल करने वाले हैं। देखेंगे कि सीजीपीएससी प्री में ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, कितना वेटेज रखता है और किस प्रकार की वैरायटी के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं सीजीपीएससी प्री में। ठीक है, तो पहला सवाल, सुमेलित करें। यहाँ पर एक तरफ जिले का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र के नाम दिए गए हैं जहां पर प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हमें मैच क्या करना है, तो हमें ये जो क्षेत्र है, ये प्लेसेस हैं, ये किस जिले के अंतर्गत आते हैं, ये हमें यहाँ पर मैच करना है। प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं प्लेसेस, ठीक है, स्थल लिख सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि चूंकि ये प्राग ऐतिहासिक कालीन ये टॉपिक जो है, इससे संबंधित क्वेश्चन है, पहले यही जान लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा गया जहां पर मानव अस्तित्व में थे लेकिन इनके क्रियाकलापों से संबंधित कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए, बल्कि इनके द्वारा बनाए गए औजार, इनके द्वारा की गई गुफाओं में चित्रकारी, इनके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। और इससे हमें ये पता चलता है कि जब यहाँ पर लिपि का विकास नहीं हुआ था इस भूभाग पर, तब भी यहाँ पर मानव अस्तित्व में थे और उनके द्वारा यहाँ की गुफा की दीवारों पर अनेक प्रकार की चित्रकारी की गई। पत्थर से इन चित्रकारियों को किया गया, इसीलिए इस चित्रकारी को शैल चित्र कहा जाता है। ठीक है, तो चूंकि इस काल में मानव अपने दैनिक उपयोग में लाने के लिए जिन भी वस्तुओं का उपयोग करता था वो केवल पत्थर के ही होते थे या पत्थर से बने होते थे, इसीलिए इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल किस काल को कहा गया जहां पर मानव के क्रियाकलापों से संबंधित हमें औजार प्राप्त हुए और उनके शैल चित्र प्राप्त हुए। तो आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के किन किन क्षेत्रों में हमें प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर चार जिलों के नाम दिए गए हैं और हमें इसे मैच करना है। तो जनरली जब हम प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फैक्ट याद नहीं रख पाते और इससे संबंधित बहुत सारे प्लेसेस के नाम हमें याद रखने होते हैं, बहुत कठिनाई होती है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम याद रख लेते हैं या जो हमें याद हो सकता है उसे हम याद रख लेते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं ना तो भी इससे संबंधित प्रश्न तो आपसे हल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से वन वर्ड में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, सामान्यतः नहीं पूछे जाते आपसे। या तो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछे जाएंगे या फिर आपको तीन चार से प्लेसेस के नाम दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक कालीन है या फिर नवपाषाण कालीन है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व भी इसी प्रकार से करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे फेमस प्लेस है रायगढ़। हम जब भी प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं तो हम रायगढ़ से संबंधित प्लेसेस को ध्यान में रखते ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गुफाएं जहां पर प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य में प्राप्त हुए, प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए, वो है रायगढ़ जिला। और इसीलिए रायगढ़ जिले को शैलाश्रयों का जिला भी कहा जाता है।
तो हमने देखा कि सिंघनपुर की गुफा ये रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पर पूर्व पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य में प्राप्त हुए। वहीं पर कबरा पहाड़ जो कि जहां पर सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए, ये भी रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। और बोधलता की गुफा, ये रायगढ़ जिले में सबसे लंबी गुफा है जहां पर प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए, ये भी रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। तो हमने ये तीन प्लेसेस को याद रखी लिए प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। तो यहाँ पर एक मैच भी हमें यही देखने को मिल रहा है, रायगढ़ जिले के अंतर्गत बोधलता की गुफा। हमने एक मैच कर लिया तो हम इसे ऑप्शन में भी मार्क कर देते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर सी का टू है, तो यहाँ पर बी सी डी तीनों ऑप्शन ऐसे हैं, ठीक, हमने इसे मार्क कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब ये सारे प्लेसेस जाने पहचाने से तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, फिर भी हम वन बाई वन करके सॉल्व यहाँ पर करते हैं। चितवा डोंगरी, ये तो चितवा डोंगरी है ना, ये संस्थागत किताबों में आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि ये राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन नहीं, ये बालोद जिले के अंतर्गत आता है, ठीक। तो चितवा डोंगरी का मैच हो जाएगा ए, ए का मैच वन, तो ये हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी का मैच भी कर लेते हैं। उत्तर बस्तर कांकेर, कांकेर जिले के अंतर्गत प्लेस है गोटी टोला और कोंडागांव जिले के अंतर्गत प्लेस है लिंडा रिहा। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी। और हम इसे फिर से एक बार मैच कर लेते हैं, रायगढ़ बोतलदा, बालोद चितवा डोंगरी, कोंडागांव लिंडा रिहा और कांकेर गोटी टोला। अब देखते हैं कौन कौन से प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए। तो चितवा डोंगरी में नव पाषाण कालीन साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। हथौड़े की आकृति के छोटे छोटे औजार, मानव और पशु के आकृति के चित्र हमें यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। बोतलदा की गुफा में भी हमें शैल चित्र प्राप्त हुए। गोटी टोला, ये कांकेर जिले के अंतर्गत चरामा ब्लॉक के अंतर्गत ये स्थल है, यहाँ पर इंप्रेशन पंजा पंजों के शैलचित्र प्राप्त हुए और श्री राम लक्ष्मण और सीता से संबंधित एक सीन हमें देखने को मिलता है इन गुफाओं में। ऐसा चित्र दिख रहा है जहां पर ऐसा हम कह सकते हैं कि संभवतः ये सीन है वो श्री राम लक्ष्मण और सीता से संबंधित है, ठीक है। तो पंजों के शैलचित्र, वृक्ष के पत्तों के शैलचित्र हमें प्राप्त हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे शैल चित्र हमें प्राप्त हुए यहाँ पर। लिंडा रिहा कोंडागांव जिले के अंतर्गत प्लेस है, यहाँ पर हमें पशु और मानव की आकृति के शैल चित्र प्राप्त हुए। तो इन शैल चित्रों में होता क्या था, तो सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल में मानव जंगलों में रहा करते थे, नदी घाटों के किनारे रहा करते थे, और उस समय उनके जीवन में जो भी कुछ बीत रहा है उसे ही वो चित्र के माध्यम से गुफाओं में उकेरते थे, ठीक है। जैसे कि उस समय जंगल में मानव जो है वो समूह में विचरण किया करते थे, शिकार किया करते थे, ठीक है। तो जो भी उनके दैनिक जीवन में घटनाक्रम चलती थी उसे ही वो चित्रकारी के माध्यम से दीवारों में प्रदर्शित किया करते थे। तो इन शैल चित्रों में क्या होते थे, तो इन शैल चित्रों में शिकार के चित्र हुआ करते थे, ठीक है। समूह में मानव जंगल में घूम रहा है, पशुओं की आकृति होती थी, वो जिन मनुष्यों को देखा करते थे उन मनुष्यों की आकृति को उन शैल चित्रों में बनाया करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर शैल चित्र हमें प्राप्त होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट ये आप ध्यान में रखिएगा कि पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो महानदी घाटी और सिंघनपुर की गुफाओं से, ठीक। मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य में रायगढ़ जिले के अंतर्गत कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए। उत्तर पाषाण कालीन साक्ष्य हमें ये जो दो प्लेसेस है महानदी घाटी और सिंघनपुर की गुफा यहाँ से तो प्राप्त हुए, इसके अतिरिक्त धनपुर से भी प्राप्त हुए, ठीक है। ये गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के अंतर्गत आता है। और नव पाषाण कालीन साक्ष्य में चितवा डोंगरी, ठीक है, सेरम बोनटीला और अजमेर से प्राप्त हुए, ठीक। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है,
राम वन पथ गमन योजना, राम वन गमन पथ योजना के प्रथम चरण में निम्न में से किस रामायण कालीन स्थल को चिन्हांकित नहीं किया गया है? ठीक है, ये किया गया लिखा है, इसमें ऑप्शन दिया गया है ए तुतुरिया, बी चंदपुरी, सी रामाराम और डी में से कोई नहीं। तो पहले ये समझते हैं कि राम वन गमन पथ योजना क्या है। तो ऐसी मान्यता है कि श्री राम जी अपने 14 वर्षों के वनवास काल के दौरान कुल 10 वर्षों का समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए। कुल 15 स्थलों में उन्होंने यहाँ पर भ्रमण किया और इनमें से 51 स्थलों में उन्होंने कुछ देर रुककर विश्राम किया। तो इन्हीं 51 स्थलों को, चूंकि ये 51 स्थल धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये 51 स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करना और इन्हें एक दूसरे से जोड़ने का उद्देश्य है राम वन गमन पथ योजना का। ठीक है, तो इन 51 स्थल जो कि रामायण कालीन स्थल है, इन्हें पर्यटन के रूप में विकसित करना है। ठीक है, तो इस योजना के प्रथम चरण में पहले तो कुछ 8 कुल 8 स्थलों को चुना गया था पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए, लेकिन वर्तमान समय में 9 स्थल है। ठीक है, 9 स्थलों को इस योजना के प्रथम चरण में विकसित किया जाएगा पर्यटन के रूप में, और जो बाकी बचे स्थल हैं उन्हें इस योजना के द्वितीय चरण में पर्यटन के रूप में विकसित किया जाता है। तो ये 9 स्थल कौन कौन से, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्थल है कोरिया जिले के अंतर्गत सीतामढ़ी हरचौका, कोरिया। दूसरा सरगुजा जिले के अंतर्गत रामगढ़ की पहाड़ी, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम। ठीक है, तीसरा जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत सिवरी नारायण। चौथा बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत तुरतुरिया। पांचवा रायपुर जिले के अंतर्गत चंदखुरी। छठवा गरियाबंद जिले के अंतर्गत राजिम। सातवां धमतरी जिले के अंतर्गत सिहावा। आठवां बस्तर जिले के अंतर्गत जगदलपुर। और नौवा है सुकमा जिले के अंतर्गत रामाराम। ठीक, तो इन सभी प्लेसेस को, इन सभी 9 प्लेसेस को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, तुरतुरिया, चंदखुरी, रामाराम, ये सभी प्रथम चरण में चिन्हित स्थल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इस योजना के लिए शोध का कार्य छत्तीसगढ़ अस्मिता प्रतिष्ठान संस्था के द्वारा किया जा रहा है, ये रायपुर में स्थित है, और इससे संबंधित 2 किताबें लिखी गई है। इन 2 किताबों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। एक तो पहली किताब है श्री मनुलाल यदु की दंडकारण्य रामायण किताब, और दूसरी है डॉक्टर हेमू यदु की छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। इन दोनों किताब को ध्यान में रखिएगा, इन्हीं किताब को आधार मानकर इन स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। ठीक, अब हम अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है निम्न में से किस स्थल में बौद्ध के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? जब भी नहीं आए सवाल में तो आप इसे क्या कर ले, मार्क कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बहुत खतरनाक दिया गया है। देखिए पहला ऑप्शन है मल्हार, दूसरा है भोंगापाल, तीसरा है सिरपुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अगर हम सिरपुर को सबसे पहले देख लिए तो हम तो वहां पर
मान ले जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इस नहीं को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पर बौद्ध के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, तो हम जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है उसकी पहली चर्चा करते हैं, सिरपुर की बात करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि 595 ईस्वी से लेकर 655 ईस्वी में दक्षिण कौशल के क्षेत्र में सिरपुर को राजधानी बनाकर यहाँ पर महाशिवगुप्त बालार्जुन ने शासन किया। ये पांडु वंश के शासक थे, ठीक है। इनके शासन काल में सिरपुर एक बौद्ध केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था, जिसके बारे में हमें जानकारी यहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुए बौद्ध की प्रतिमाएं, बौद्ध के विहार के अवशेष से मिलती है, ठीक है। इन्हीं के शासन काल में लगभग 369 ईस्वी में वेई सान जो कि चीनी यात्री है, उन्होंने सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी, और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत सीयूकी में बताया है कि उस समय सिरपुर में 100 संघाराम थे। 100 संघाराम मतलब 100 विहार थे, जहां पर लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे। तो इससे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, सिरपुर जो है यहाँ पर बौद्ध के अवशेष प्राप्त हुए। अगली बात करते हैं हम भोंगापाल की। तो भोंगापाल ये कोटा गांव जिले से 70 किलोमीटर दूर एक ग्राम पंचायत है। यहाँ पर भी गुप्तकालीन बौद्ध की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है। ये कैसे दिखती है हम आगे इमेज में देखेंगे। तो यहाँ पर भी बौद्ध विहार के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। मल्हार में भी बौद्धकालीन प्रतिमाएं, बौद्ध के अवशेष और चैत्य के भी अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये भी यहाँ भी बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त हुए। एक और ऐसा प्लेस है जहां पर बौद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो है तुरतुरिया। तुरतुरिया में भी बौद्ध की प्रतिमाओं के अवशेष प्राप्त हुए। इन चारों प्लेसेस को आप ध्यान में रखिएगा, अगर बौद्ध धर्म से संबंधित कोई सवाल पूछा जाएगा तो ये चारों प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपको दो बौद्ध ग्रंथ के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है, एक तो अंगुत्तर निकाय और दूसरी अवदान शतक। अवदान शतक में उल्लेख किया गया है कि गौतम बुद्ध ने कुछ समय के लिए सिरपुर में प्रवास किया था, और अंगुत्तर निकाय में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित आपको इतनी जानकारी रखनी है। ये देखिए, ये है सिरपुर का बौद्ध विहार, ठीक है। ये है भोंगापाल में प्राप्त हुए बौद्ध की गुप्तकालीन प्रतिमा, जिसे वहां के स्थानीय जनजाति के लोगों के द्वारा स्थानीय देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है, ठीक। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्न में से किस राजवंश की आहत मुद्राएं छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में प्राप्त हुई है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए वन, ये ऑप्शन ए बी सी डी है, ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ए बी सी डी। ए सातवाहन वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश और डी कुषाण वंश। तो देखिए, यहाँ पर जितने चारों ऑप्शन दिए गए हैं ना, सभी वंश से संबंधित सिक्के छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशली क्या पूछा गया है, आहत मुद्राओं के बारे में पूछा गया है, इसे आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पर ऐसी मुद्राएं जो कि आहत मुद्राएं थी, वो मुद्राएं किस वंश से संबंधित है, आपके सवाल में ये पूछा गया है। तो आहत मुद्राएं होती कैसी, ये देख लेते हैं। ये है आहत मुद्राएं, प्राचीन समय में तांबे के या फिर चांदी के सिक्के को ऐसे पीट कर आहत करके ठोक ठोक कर उसे बनाया जाता था। तो इसीलिए चूंकि उसे आहत करके बनाया जाता था, इसलिए इन मुद्राओं को आहत मुद्राएं कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये आहत मुद्राएं होती थी, ठीक है। तो हम आते हैं वापस सवाल पे। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में मौर्य वंश से संबंधित आहत मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। हाँ, ये सिक्के ना चंद्रगुप्त के थे और ना ही अशोक के थे, लेकिन ये मौर्य कालीन तो सिक्के थे और ये सिक्के चांदी के थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मौर्य कालीन चांदी के आहत मुद्राएं बिलासपुर, अकलतरा, और तारापुर से प्राप्त हुए हैं। अकलतरा से कुल 259 चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए, तारी से कुल 253 और तारापुर से 15, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तारापुर रायगढ़ जिला, ये जांजगीर चांपा, ठीक है।
तो छत्तीसगढ़ का जो मध्य हिस्सा है ना, यहाँ पर मौर्यकालीन आहत के सिक्के हमें प्राप्त हुए। ये सभी किसके थे? तो ये चांदी के थे। बाकी सिक्कों की भी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सातवाहन वंश के सिक्के के बारे में हम बात करें तो सातवाहन वंश के राजा अपिलक के सिक्के हमें प्राप्त हुए। ये राजा अपिलक के तांबे के सिक्के बालपुर से प्राप्त हुए। चार तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे और इन सिक्कों में हाथी के चिन्ह अंकित थे। इसके अतिरिक्त सातवाहन वंश के रोम सिक्के भी प्राप्त हुए चकरबेड़ा से। चकरबेड़ा बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। ये मधार के समीप एक ग्राम है। ठीक है, यहाँ पर दो रोम के सिक्के प्राप्त हुए। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश के टोटल 20 सोने के सिक्के यहाँ पर प्राप्त हुए, जिसमें से कुछ की पहचान की जा सकी और कुछ की नहीं की जा सकी। जिसमें हमें जो पहचान किए गए सिक्के थे उससे पता चलता है कि एक कांच का था, एक समुद्रगुप्त और 7 सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। इसके अतिरिक्त कुमारगुप्त के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसके जितने भी सिक्के प्राप्त हुए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आरंग में प्राप्त हुआ सिक्का, क्योंकि ये रत्न जड़ित मयूर सिक्का था। ठीक, इसे ध्यान में रखिएगा। कुशाण वंश से संबंधित सिक्के हमें बिलासपुर और तेलीकोट में प्राप्त हुए हैं। बिलासपुर में प्राप्त हुए सिक्के तांबे के सिक्के थे। ठीक, तो यहां से संबंधित सवाल पूछा भी गया है ना, तो इस प्रकार से आपको ये मुख्य सिक्कों को ध्यान में रखना है। हम अगर छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास मतलब प्राचीन कालीन इतिहास में यहाँ पर कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। यहाँ पर कोई ऐसे राजवंश नहीं थे जो यहाँ पर रूल किया करते थे। इससे संबंधित हमें क्या जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश के जो साक्ष्य छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए, हमको ये ध्यान में रखना है। मतलब कि जो केंद्रीय सत्ता थी उससे रिलेटेड अगर कोई साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है। मतलब कि हम इसे ये भी कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास में, भारत के प्राचीन इतिहास में छत्तीसगढ़ का क्या भूमिका थी, ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी राजवंश है सातवाहन मौर्य गुप्त, इनसे संबंधित अगर कोई सिक्के प्राप्त हुए, इनसे संबंधित कोई लेख प्राप्त हुआ, तो हमें छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत इन सभी को याद रखना है। सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको गलत कथन को चुनना है। तो सबसे पहले आप मार्क कर लेंगे कि गलत कथन को यहाँ पर हमें चुनना है। ठीक है, हम पहले वन बाय वन करके सारे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है रामगढ़ गुफा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। दूसरा, नाट्यशाला के प्राचीनतम साक्ष्य जोगीमारा की गुफा से प्राप्त हुए हैं। तीसरा, जोगीमारा में विश्व के प्राचीनतम प्रेम गाथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और चौथा, सीता बेगरा में तुलसीदास जी ने मेघदूत की रचना की थी। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या सत्य है क्या सत्य है। रामगढ़ गुफा ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंतर्गत है। तो हाँ, सरगुजा जिले के अंतर्गत रामगढ़ की पहाड़ी पर बहुत सारे गुफा हैं, जिसमें प्रमुख है सीता बेंगड़ा और जोगीमारा की गुफा। ठीक है, यहां पर लक्ष्मण बेंगड़ा की भी गुफा है। ये तीनों स्थल रामायण कालीन है। देखिए नाम भी देखिए, सीता और लक्ष्मण क्या है, बेंगड़ा का मतलब कमरा होता है। ठीक है, अपने वनवास काल के दौरान श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण जी जिन जिन कमरों में विश्राम किए थे उन कमरों का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। चूंकि यहाँ के स्थानीय निवासियों ने श्री राम का स्वागत जोगी के रूप में किया था, इसीलिए उनके रूम का नाम उनके कमरे का नाम जोगी मारा रखा गया। ठीक है, तो ये रामायण कालीन स्थल है, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, यहाँ से मौर्य कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है कि हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी है, जहां पर गुफाएं हैं, जिसमें प्रमुख गुफा है सीता बेंगड़ा जोगी मारा और लक्ष्मण बेंगड़ा की गुफा। अब हमको चर्चा किन दोनों के बारे में करना है, सीता बेंगड़ा और जोगीमारा के बारे में करना है। दूसरा स्टेटमेंट,
नाट्यशाला के प्राचीनतम साक्ष्य जोगी मारक की गुफा से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर, हमें ये ध्यान में रखना है क्योंकि सीता बेंगड़ा और जोगी मारक, सीता बेंगड़ा की गुफा में नाट्यशाला के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। देखिए ये साक्ष्य मौर्यकालीन है ना, लगभग ईसा पूर्व की 3री शताब्दी में हमें यहाँ पर नाट्यशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि प्राचीनतम है। ठीक है, तो ये कौन से गुफा में प्राप्त हुए हैं? सीता बेंगड़ा की गुफा में प्राप्त हुए हैं। और स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? जोगी मारक की गुफा में प्राप्त हुए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अब हम आते हैं तीसरे स्टेटमेंट में, जोगी मारक में विश्व के प्राचीनतम प्रेम गाथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हाँ, जोगी मारक की गुफा की दीवारों पर पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीर्ण है जिससे हमें जानकारी मिलती है कि वहां पर सूतनुका नामक देवदासी निवास करती थी जो कि नियम के विरुद्ध देवदीन नामक शिल्पी से प्रेम करने लगी थी और उनके प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। ये जो लेख है ये मौर्यकालीन है क्योंकि ये जो लेख है ये पाली भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, गेरवे रंग का ये लेख है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जोगी मारक गुफा में विश्व के प्राचीनतम प्रेम गाथा के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो हाँ, ये विश्व का प्राचीनतम प्रेम गाथा है जिसके बारे में जानकारी हमें जोगी मारक की गुफा से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो देवदीन था ना, ये शिल्पी था, वाराणसी का निवासी था और सूतनुका देवदासी थी। ठीक है, इन दोनों के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जोगी मारक में विश्व के प्राचीनतम प्रेम गाथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौथा, सीता बेंगड़ा में तुलसीदास जी ने मेघदूत की रचना की थी। तो नहीं, सीता बेंगड़ा की गुफा मतलब कि रामगढ़ की पहाड़ी में तुलसीदास जी ने नहीं बल्कि कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना की थी। क्या था समझने का प्रयास कीजिएगा, महाराष्ट्र का ये पूर्वी सीमा, इस क्षेत्र में 4थी शताब्दी में वाकट अकबंश का शासन था, नंदीवर्धन का क्षेत्र। जब यहाँ पर रुद्रसेन द्वितीय का शासन था तो उनकी मृत्यु के बाद प्रवरसेन द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। लेकिन रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के समय प्रवरसेन वयस्क नहीं हुआ था, वो अवयस्क था, तो उसकी संरक्षिका के रूप में उनकी माँ प्रभावती गुप्त, जो कि गुप्त वंश की राजकुमारी थी, ठीक है, उन्होंने प्रवरसेन द्वितीय की संरक्षिका के रूप में उस समय शासन किया। देखिए परिस्थिति ऐसी कुछ थी, हम ये सबको हटा देते हैं, ठीक, ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए। वाकटक वंश और गुप्त वंश के बीच में वैवाहिक संबंध था। ठीक, वाकटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। ठीक, रुद्रसेन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु होने के बाद राजगद्दी प्रवरसेन द्वितीय को संभालनी थी, लेकिन उस समय प्रवरसेन द्वितीय अवयस्क था, तो इसकी संरक्षिका के रूप में प्रभावती गुप्त ने राज्य को संभाला। इसी समय प्रवरसेन द्वितीय की शिक्षा दीक्षा के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कालिदास जी इस क्षेत्र में आते हैं और उनका जो मार्ग होता है वो सरगुजा से होते हुए आते हैं और उसी समय रामगढ़ की पहाड़ी में कुछ समय रुककर उन्होंने मेघदूत की रचना की थी और उस समय उन्होंने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था और ये वही मेघदूतम है जिसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तुलसीदास जी ने नहीं बल्कि कालिदास जी ने की थी। तो हमने क्या क्या देखा कि स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग था, 1 करेक्ट था, 3 करेक्ट था। तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत कथन को हमें बताना है, तो 2 और 4 गलत कथन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत है। देखिए ये है जोगी मारक की गुफा पर उत्कीर्ण लेख और ये है सीता बेंगड़ा की गुफा। ठीक,
अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, सातवाहन वंश से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। जितने भी स्टेटमेंट दिए गए सातवाहन वंश से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है, सातवाहन कारी पदाधिकारियों की जानकारी किराने से प्राप्त कास्ट स्तंभ से मिलती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। किरारी ग्राम है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत, डबरा तहसील के अंतर्गत ये ग्राम है। यहाँ के तालाब में एक कास्ट स्तंभ डूबी हुई प्राप्त हुई थी। इस कास्ट स्तंभ में सातवाहन कालीन अधिकारियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, उनके पदों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, सातवाहन कालीन रोम सिक्के हमें चकरगढ़िया ग्राम से प्राप्त हुए, तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि हाँ सातवाहन कालीन रोम सिक्के चकरबेड़ा से प्राप्त हुए, दो सिक्के प्राप्त हुए थे। छत्तीसगढ़ में प्राप्त सातवाहन कालीन तांबे के सिक्के वृत्ताकार थे, तो नहीं, ये तांबे के सिक्के वृत्ताकार नहीं थे बल्कि आयताकार थे, जिसके एक तरफ हाथी अंकित था और दूसरी तरफ खड़ी हुई स्त्री या नाग अंकित था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तांबे के सिक्के वृत्ताकार थे नहीं आयताकार थे, ये रॉन्ग है। चौथा स्टेटमेंट, मल्हार में सातवाहन कालीन विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई, तो हाँ मल्हार में लेख युक्त विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई और ये जो लेख है ये ब्राह्मी लिपि में था। इस प्रतिमा को प्रजापति और भारद्वाज नामक दो महिलाओं ने बनाया था, ठीक। तो देख हम क्या देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सत्य कथन को चुनना है तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नल वंश का पुनर्संस्थापक किसे माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया भगदत्त वर्मन, शिशुक, स्कंद वर्मन और इनमें से कोई नहीं। पहले तो हम ये समझ लें कि पुनर्संस्थापक किसे कहते हैं। पुनर्संस्थापक का मतलब जिसने इस वंश की फिर से पुनर्स्थापना की। तो वहां पर स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि देखिए ये है छत्तीसगढ़ की बाउंड्री और मान लीजिए ये है महाराष्ट्र, ठीक। नल वंश के शासकों ने बस्तर के क्षेत्र में लगभग 4वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक यहाँ पर शासन किया, ठीक है। लगभग के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ क्योंकि 8वीं शताब्दी के बाद तो इनके बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ पर है पुष्करी जो कि वर्तमान भोपालपट्टनम है बीजापुर जिले के अंतर्गत। पुष्करी को राजधानी बनाकर नल वंश के शासकों ने बस्तर के क्षेत्र में शासन किया, तो इसी समय महाराष्ट्र के क्षेत्र में नंदीवर्धन को राजधानी बनाकर वाकटक वंश के शासक शासन कर रहे थे, ठीक। राज्य विस्तार की दृष्टिकोण से दोनों शासकों के बीच में युद्ध हुआ। अब युद्ध कैसे हुआ देखिए, कुछ 3-4 महत्वपूर्ण नाम आपको ध्यान में रखने हैं, उससे या इससे संबंधित यहां से जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो हमसे बन जाएंगे। देखिए नल वंश का शासक था भगदत्त वर्मन, इसका शासन काल 440 ईस्वी से लेकर 460 ईस्वी तक था, ठीक। यहां पर पैलरी शासक कौन था, नरेंद्र सेन। भगदत्त वर्मन ने राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया और इसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया और इसी के क्षेत्र से ताम्रपत्र जारी किया, जिसे देखकर वहां के आसपास के पड़ोसी राजा बिल्कुल अचंभित हो गए थे, ठीक है। तो उसने अपने राज्य का विस्तार किया, उसने यहाँ पर पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से नरेंद्र सेन इस पहले वाले युद्ध में तो पराजित हो जाते हैं और इसकी जानकारी हमें रिद्धिपुर के ताम्रपत्र से मिलती है। रिद्धिपुर महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत प्लेस है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद इसका पुत्र राजा बनता है पृथ्वी सेन और यहां पर शासक बनता है इसका पुत्र अर्थपति भट्टारक। अपने पिता के साथ हुए अपमान का बदला लेने के लिए और अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस प्राप्त करने के लिए पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण किया, इसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया। इस युद्ध में अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो गई और उसके बाद अपने खोए हुए क्षेत्र को उसने वापस प्राप्त कर लिया। इसकी जानकारी हमें केसरी बेड़ा के ताम्रपत्र से मिलती है, ठीक।
यहां तक की स्थिति हमें समझ में आई कि पुष्करी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है, ठीक है, और अर्थपति भट्टारक की मृत्यु भी हो गई है। अब यहाँ पर पृथ्वीसेन के बाद यहाँ पर राजा होते हैं देवसेन, और अर्थपति भट्टारक की मृत्यु के बाद उसके भाई स्कंद वर्मन शासक बनते हैं। स्कंद वर्मन ने राज्य की पुनर्स्थापना की और इस बार उसने अपनी राजधानी पोरागढ़ को बनाई। पोरागढ़ में उसने विष्णु का मंदिर बनाया और उसके बाद अपने राज्य को फिर से सुव्यवस्थित करने के बाद उसने देवसेन पर आक्रमण किया। इस युद्ध में देवसेन पराजित हुआ। इसकी जानकारी हमें पोरागढ़ के अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख की शुरुआत ही विजेता थे, विजेता हैं और विजेता रहेंगे से हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अर्थपति भट्टारक की मृत्यु के समय उसकी राजधानी और उसका राज्य पूरा तहस नहस हो चुका था, पूरा समाप्त हो चुका था, और उसके बाद उसके भाई स्कंद वर्मन ने फिर से राज्य की पुनर्स्थापना की। तो नल वंश का पुनर्संस्थापक कौन होगा? तो स्कंद वर्मन होगा। पोरागढ़ में उसने विष्णु का मंदिर बनवाया था जबकि इससे पहले के शासक शिव के उपासक थे। तो यहाँ पर ये शैव से वैष्णव के वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी हमें पोरागढ़ के अभिलेख से प्राप्त होती है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्कंद वर्मन नल वंश के पुनर्संस्थापक है। शिशुग इस वंश के पहले शासक का नाम है, ठीक। अगला सवाल है, सुमेलित करें। एक तरफ राजवंश के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ शासक के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर राजवंश में पांडु, शरदपुरी, नल और शूला के नाम दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर रिलेटेड हमको शासक को मैच करना है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट शासक है सभी के सभी पांडुवंश। पांडुवंश के प्रमुख शासक कौन है? तिवरदेव है। शरदपुरी वंश के प्रमुख शासक प्रसन्न मात्र है। नल वंश के प्रमुख शासक अर्थपति भट्टारक, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और शूला जो है, ये शूला वंश है ना, शूला वंश के प्रमुख शासक भीमसेन है। अब भीमसेन प्रथम भी और भीमसेन द्वितीय भी है, और दोनों शासक शूला वंश के हैं, या फिर इसे राजर्षि तुल्य कुल वंश भी कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ में राज्य करने वाले पहले स्थानीय राजवंश है जिनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो कुछ कुछ चर्चा हम इनका कर लेते हैं, लेकिन पहले हम आंसर देख लेते हैं। 1 का 3, A का 3, B का 1, C का 2, D का 4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान में रखना है। प्रसन्न मात्र ये शरदपुरी वंश का प्रमुख शासक है। इसने लीलागढ़ नदी के किनारे, लीलागढ़ नदी के तट पर अपने नाम से प्रसन्नपुर शहर की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में मल्हार के नाम से जाना जाता है, ठीक। प्रसन्न मात्र ने भारी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे। इसके सिक्के कटक से लेकर चांदा तक टोटल 116 सिक्के हमें प्राप्त हुए थे। इसके चांदी के सिक्के की बात करें तो ये इसके सिक्कों के लेफ्ट साइड में शंख, राइट में चक्र, ऊपर में गरुड़ और नीचे में शासक के नाम होते थे, ठीक है। तो इस प्रकार के इसके सिक्कों में हमें जो चिन्ह दिखाई देते हैं वो इस प्रकार से दिखते हैं, ठीक है। तो प्रसन्न मात्र संबंधित ये आपको ध्यान में रखना है कि इसने भारी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे, जो क्या शो करते हैं, जो राजा की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। राजा अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए ही सोने और चांदी के सिक्के जारी करता है, और वो इससे ये भी पता चलता है हमें कि वो वहां पर स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्रसन्न मात्र संबंधित दो जानकारी ध्यान में रखनी है। अर्थपति भट्टारक के बारे में हमने अभी देखा। तिवरदेव ये पांडु वंश का बहुत शक्तिशाली शासक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। भीमसेन द्वितीय का आरंभ ताम्र पत्र प्राप्त हुआ था। ये जो सूरा वंश है ना, राजजीतुल्य कुल वंश, इसके पहले शासक का नाम या संस्थापक का नाम शूरा था, और इसीलिए इस वंश को शूरा वंश भी कहते हैं। ये आरंभ के क्षेत्र में राज्य करते थे और
इस वंश का अंतिम शासक था भीमसेन द्वितीय, जिसका आरंग से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ और जिसमें सभी शासकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। पूरा के बाद दैत विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत वर्मन टू और भीमसेन द्वितीय, ये इनके शासकों का वंश क्रम है जिसके बारे में जानकारी हमें आरंग के ताम्रपत्र से मिलती है, जो कि भीमसेन द्वितीय का ताम्रपत्र था। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, सुमेलित करें, एक तरफ स्थानीय राजवंश के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित साक्ष्य के बारे में बताया गया है। तो वन बाय वन करके देखते हैं। देखिए, नल वंश से संबंधित रिद्धिपुर के ताम्रपत्र के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। सूरा डायनेस्टी से संबंधित भी हमने अभी जस्ट आरंभ के इंक्रिप्शन के बारे में बात किया है, ठीक है। अब बच गए दो राजवंश और उनके साक्ष्य। तो पर्वत द्वारक वंश का शासन 5वीं शताब्दी में गरियाबंद के अंतर्गत देवभोग के क्षेत्र में था। इसकी जानकारी हमें 13 सिंह के ताम्रपत्र से मिलती है। इस वंश में मेनली तीन शासक थे, सुमन्न राज, उसके बाद महाराजा पुष्टिकर और उसके बाद नंदराज देवा, ठीक। तो इन तीन प्रमुख शासकों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं एक जो बच गया है पांडु वंश का, सिरपुर अभिलेख। तो सिरपुर के बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो कि पांडु वंश से संबंधित है। कुछ एक महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि पांडु वंश के शासकों ने अपनी राजधानी सिरपुर को बनाई थी और 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी तक उस क्षेत्र में शासन किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 और उसके बाद सी का 1 और डी का, यहां पर हम देख रहे हैं डी का 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, गोंडा ताम्रपत्र किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है पांडु, नल, शरभपुरी और शूरा। डायरेक्ट हम आंसर पे आते हैं, ये पांडु वंश से संबंधित है और किसके, कौन से शासक से संबंधित है, तो तीवर देव शासक से संबंधित है। देखिए, पांडु वंश के वंश क्रम के बारे में बात करें तो पांडु वंश के शासकों में पहला नाम आता है उदयन का। उदयन के बाद राजा होता है इंद्रबल, जो कि इस राज्य का या फिर इस वंश का संस्थापक होता है। इसके बाद शासक होते हैं नंदराज प्रथम और इसके बाद इनका पुत्र शासक होता है तीवरदेव, ठीक। यहां तक समझ में आया, तो हम इसी तीवरदेव की बात यहां पर करने वाले हैं। तीवरदेव का शासन काल है 540 ईस्वी से लेकर 565 ईस्वी तक। अब देखिए, इससे संबंधित हमें कुछ कुछ जानकारी ध्यान में रखनी, क्योंकि इस वंश का महत्वपूर्ण शासक है। सबसे पहली बात तो इससे संबंधित ताम्रपत्र हमें कहां कहां से मिला, तो राजिम, बालोद और बोंडा कहते हैं, ठीक है, इसे बोंडा से मिला। बोंडा रायगढ़ जिले के अंतर्गत स्थल है, बरम किला तहसील के अंतर्गत ये ग्राम आता है। यहां हमें ताम्रपत्र 1958 में प्राप्त हुआ, जबकि राज्य में 1785 ईस्वी में इस वंश का ही पहला ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए, तीवरदेव महत्वपूर्ण शासक इसलिए है क्योंकि पांडु वंश के राज्य के जिस छोटे से हिस्से में इंद्रबल शासन कर रहा था, उस छोटे से हिस्से का विस्तार तीवरदेव ने बहुत बड़े एरिए में कर दिया था। तीवरदेव मैकल और कोसल दोनों के क्षेत्र को जीत कर वो सकल कोसलाधिपति बन चुका था, मतलब कि पूरे कोसल का ही अधिपति बन चुका था और इसीलिए तीवरदेव की मुद्राओं में उसे सकल कोसलाधिपति कहा गया है उसके द्वारा ही, ठीक है। मतलब कि कोसल और मैकल दोनों ही क्षेत्र पर तीवरदेव का अधिकार था और इसे सकल कोसला की उपाधि से विभूषित किया गया था। पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, राजीव और बालोद के ताम्रपत्र में इसके पराक्रम के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, जहां पर राजीव के ताम्रपत्र में हमें ये भी पता चलता है कि ये
वैष्णव का अनुयायी था, ठीक है। राजीव के ताम्रपत्र में इसने स्वयं को परम वैष्णव कहा है, ठीक। यहां तक समझ में आया? हम अब आगे और चर्चा करते हैं। गोंडा के ताम्रपत्र में क्या क्या जानकारी मिलती है? तो गोंडा के ताम्रपत्र में दिवादेव के गौरव गान का वर्णन किया गया है। उसमें ऐसा लिखा गया है, ऐसा बताया गया है कि पंच महाशब्द की उपाधि धारण करने वाले जितने भी शासक हैं वो तिमरदेव के चरणों में लोट पोट रहे हैं। इस प्रकार से अतिशयोक्तिपूर्ण उल्लेख यहाँ पर किया गया है और तिमरदेव के गौरव गान का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो तिमरदेव बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। इससे संबंधित आपको एक जानकारी जो हमेशा याद रखनी है कि सकल कोशलाधिपति की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया था। इसके अतिरिक्त अर्धभार ताम्रपत्र से भी इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तिमरदेव ने उत्कल के कुछ क्षेत्र पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से CGPSC प्री में इस टॉपिक से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, आपको छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को ध्यान में रखना है या टॉपिक से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये जानना है तो कुल तीन चार बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहली बात तो ये कि हम यहाँ पर भारत का प्राचीन इतिहास देख रहे हैं, ना कि छत्तीसगढ़ का इतिहास। दूसरी बात ये कि केंद्रीय सत्ता से संबंधित जितने भी साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ के जिन जिन क्षेत्रों में प्राप्त हुए हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि मौर्यकालीन गुप्तकालीन साक्ष्य छत्तीसगढ़ के किन किन क्षेत्रों से हमें प्राप्त हुए ये हमें ये ध्यान रखना है। इससे संबंधित अगर कोई शासक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि हमने सवालों में डील नहीं किया लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के राजा महेंद्र और महाकांतक के राजा व्यागराज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने यहाँ पर तो चर्चा नहीं किया लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित सवाल एक नहीं दो नहीं बहुत बार पूछे गए हैं। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, मौर्यकालीन रामगढ़ की पहाड़ी के अभिलेख, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो केंद्रीय राजवंश के जो भी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और जो यहाँ के स्थानीय राजवंश है जैसे कि नल वंश, चरकपुरी वंश, पांडु वंश, उसमें महत्वपूर्ण शासक की उपलब्धियों के बारे में हमें जानना होगा। इन शासकों के संस्थापक, अंतिम शासक या फिर इन शासकों के वंश क्रम के बारे में हमें जानना होगा। इनकी राजधानी क्या थी, इन्होंने किस क्षेत्र पर शासन किया, कब से लेकर कब तक किया, ये हमें जानना होगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत गहराई में जाकर नहीं पढ़ना है, बहुत सामान्य जानकारी हमें ध्यान में रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर साक्ष्य से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को। हमारा जो अगला लेक्चर होगा, अगला दो लेक्चर, उसमें हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम स्पेशली कलचूरी वंश के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के द्वारा आप सभी के तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की वेबसाइट पर हर संडे 11 बजे फ्री में टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।